हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू न्यू टॉपिक एयर। एयर एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट? वी कैन नॉट सी एंड टच एयर, बट वी कैन फील एयर, राइट स्टूडेंट्स? नाउ एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये देखिए, मिक्सचर ऑफ गैसेस में मैंने आपको पढ़ाया था नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% एंड अदर गैसेस मोस्टली आर्गन 0.96%। ये देखिए, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड आर्गन जो है 0.93%। सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। नाउ स्टूडेंट्स, वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है? वाटर हम लोग जानते हैं क्या होता है। वाटर एक प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है। ऑल द लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव, राइट? सोर्सेज ऑफ वाटर, हमें वाटर कहाँ से मिलता है? रेन से, जो मेन सोर्स है वाटर का, वेल से, रिवर से, टैप, स्ट्रीम एंड लेक्स। नाउ स्टूडेंट्स, स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर इज नोन टू एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स। तीन मेन स्टेट्स होते हैं वाटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये देखिए, लुक एट दिस पिक्चर। ये देखिए, ये क्या है आपका? आइस क्यूब्स। ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में, ठीक है? अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे बाहर तो क्या हो जाएगा? ये वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? उसके बाद जब हम इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे तो किस फॉर्म में हो जाएगा? वेपर के फॉर्म में। क्लियर? सो वाटर एग्जिस्ट इन थ्री मेन स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये देखिए, सो स्टूडेंट्स, सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो हम उसे कहते हैं इवापोरेशन। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। एंड जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। क्लियर? ये देखिए, सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग, लिक्विड से गैस, इवापोरेशन, गैस से लिक्विड, कंडेंसेशन एंड लिक्विड से सॉलिड, फ्रीजिंग। क्लियर? नाउ वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में आपको मेनली क्या ध्यान रखना होगा? थ्री मेन प्रोसेस होते हैं, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इवापोरेशन का मतलब क्या होता है? जब वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसे हम इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब होता है जब वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। और प्रेसिपिटेशन का मतलब रेन के फॉर्म में जो वाटर अर्थ पे गिरता है, राइट? ये वाटर साइकिल है जो मैंने अभी आपको समझा दिया। ठीक है, ये देखिए, दिस इज योर वाटर साइकिल। मैंने इवापोरेशन का मतलब बता दिया आपको। इवापोरेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन, राइट? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मीन्स कितना, जितना अमाउंट, जो अमाउंट है वाटर वेपर का एयर में जो प्रेजेंट होता है, हम उसी को क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। रेट ऑफ इवापोरेशन किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी। क्लियर? नाउ ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, कंडेंसेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एग्जांपल है ये कंडेंसेशन का। ये देखिए, आप इसी पिक्चर को देखिए ध्यान से। ये क्या है? कंडेंसेशन, जो ओस की बूंदें होती है ना, वो एक टाइप का, देखिए, मॉर्निंग ड्यू ऑन द ग्रास। क्लियर? ये देखिए, इस इमेज को भी देखिए, ये भी, ये वाला इमेज। नाउ स्टूडेंट्स,
अब हम पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के बारे में मैंने आपको समझाया है, व्हेन द वाटर ड्रॉप्स बिकम वेरी हैवी दे फॉल टू द अर्थ एज रेन। जब वाटर के जो ड्रॉप्स हैं बहुत हैवी हो जाएंगे तो अर्थ पे फॉल मतलब अर्थ पे गिर जाएंगे एज अ रेन, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, राइट। देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, कौन कौन से? रेन, हेल, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड स्नो, क्लियर। वाटर दैट फॉल्स टू द अर्थ इन एनी फॉर्म्स लाइक रेन, स्नो, स्लीट और हेल, ठीक है। ये देखिए, रेन मतलब बारिश के फॉर्म में, ठीक। ये देखिए, लुक एट दिस पिक्चर, ये बारिश हो रही है। ये देखिए हेल मतलब जो बर्फ के ओले टाइप के नहीं होते, गोल गोल। ये देखिए इस इमेज को देखिए ध्यान से, ये क्या है आपका हेल। ये देखिए ड्यू, ये देखिए लीव्स के ऊपर छोटे छोटे ड्रॉप्स नहीं हो गए, टाइनी ड्रॉप्स ऑन द लीव्स। मेनली हम कब देखते हैं? अर्ली इन द मॉर्निंग में हम देखते हैं ना। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्या है? फ्रॉस्ट। ये देखिए, व्हेन नाइट्स बिकम वेरी कोल्ड, तो जब नाइट जब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है उस टाइम, तो वाटर के जो मतलब आइस के बहुत सारे क्रिस्टल्स मतलब छोटे छोटे बहुत सारे क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो जाता है कहाँ पे? लीव्स पे, ठीक है, जो बहुत ही हार्मफुल होता है किसके लिए? फॉर द क्रॉप्स, राइट। फॉग का मतलब देख रहे हैं ना, बिल्कुल धुंधला सा, जब आप विंटर सीजन में आप देखते हैं आपको दिखाई नहीं देता, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाता है एयर, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉग, ठीक है। When the warm and moist air cools rapidly, tiny droplets of water are formed and they stay in the air. This is fog. Fog is often thickest in valleys and hills. ठीक है, it mainly occur in winter season. ठीक है, it may causes accidents. ठीक है, people who are driving cars or other vehicles cannot see clearly or may crash into another vehicles, right? ये देखिए स्नो है, स्नो का इमेज देखिए, लुक एट दिस पिक्चर। When clouds become very cold, water vapor suddenly cools to form ice crystal instead of water drops. This falls down as snow. Clear? Now students, weather के बारे में हम पढ़ते हैं। वेदर का मतलब क्या होता है? जो वेदर होता है वो कैन चेंज वेरी क्विकली, मतलब वेदर जो है बहुत जल्दी चेंज होता है, ठीक है। इट मे बी सनी इन द मॉर्निंग एंड क्लाउडी इन द इवनिंग, क्लियर। वी हैव डिफरेंट वेदर्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर, समर, स्प्रिंग, विंटर, मॉनसून एंड, ठीक है, ये मतलब दीज आर द डिफरेंट वेदर्स एंड डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर, क्लियर, एंड ऑटम, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट वेदर्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ ईयर, जैसे ऑटम हो गया, समर हो गया, स्प्रिंग हो गया, विंटर हो गया, मानसून, ठीक है। जो वेदर होता है कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे, आर टू आर, इट ऑल्सो चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। जो वेदर होता है, वेदर का चेंजेस आपको कैसे पता था? जैसे सनी डे हो गया, ठीक है, क्लाउडी हो गया, रेनी हो गया, दीज आर द वेदर चेंजेस, मतलब जो चेंज होता है, जैसे कि आप देखते हैं वेदर चेंजेस में, इट इज़ हॉट इन द समर सीजन, समर सीजन में बहुत गर्मी रहती है, और रेन कब होता है? ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है, कोल्ड कब होता है? ड्यूरिंग विंटर सीजन, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, ये देखिए सन क्या करता है? सन प्लेज अ मेजर रोल इन कॉजिंग चेंजेस इन वेदर कंडीशन, राइट स्टूडेंट्स। ये देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन वेदर के चेंजेस से, ठीक है स्टूडेंट्स। रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, ठीक है। द अर्थ इज ऑल्सो टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एट एन एंगल, क्लियर। नाउ
Therefore, the side of the earth facing the sun has longer and hotter days and thus has summer, whereas the part of the earth facing away from the sun has cooler and shorter days and thus has winter. Clear? The earth also spins on its axis. This is called rotation. Clear? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन में आपको मेन डिफरेंस क्या याद करना होगा कि जो रिवॉल्यूशन होता है अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट. रिवॉल्यूशन में क्या होता है अर्थ मूव्स अराउंड द सन इट्स ऑर्बिट इज दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. ठीक है. रिवॉल्यूशन कॉजेज चेंजेस इन सीजन वेयर एज रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. ठीक है स्टूडेंट्स इस पिक्चर को देखिए इसमें क्या कर रहे हैं जो अर्थ है द अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस. क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स विंड किसे कहते हैं जो मूविंग एयर होता है उसे हम कहते हैं विंड. राइट. जेंटल एंड प्लीजेंट विंड को हम क्या कहते हैं ब्रिज. राइट. स्टॉर्म किसे कहते हैं फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड को हम क्या कहते हैं स्टॉर्म कहते हैं. स्टॉर्म्स दैट अकर अलोंग विद थंडर एंड लाइटनिंग उसे हम क्या कहते हैं आर कॉल्ड थंडर स्टॉर्म्स. ठीक है. क्लियर है आप लोगों को. नाउ ये देखिए ये विंड का इमेज है पिक्चर देखिए. क्लियर. ये क्या है स्टॉर्म है. ठीक है. ये जेंटल विंड को हम क्या कहते हैं ब्रिज. ठीक है. अब इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे. द हीटिंग अप मीन्स ब्रिज में हम क्या पढ़ेंगे हीटिंग अप एंड कूलिंग डाउन ऑफ लैंड इज फास्टर देन वाटर. दिस डिफरेंस इन द रेट ऑफ हीटिंग अप और कूलिंग डाउन गिव राइज टू अ सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज. दिस अकर्स स्पेशली इन कोस्टल रीजन. ये देखिए सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या होता है स्टूडेंट्स मैं आपको समझाती हूँ. सी ब्रिज का मतलब जो होता है मेनली ड्यूरिंग द डे होता है. ठीक है. डे जब सुबह का टाइम होगा ड्यूरिंग द डे उसमें सी ब्रिज होगा. उसमें क्या होगा कि डे के टाइम सन तो निकला होगा. ठीक है. सनराइजेस इन द मॉर्निंग. ठीक है. तो उसमें आपका इधर की साइड ये क्या है लैंड है. ठीक है. ये लैंड है ये वाटर है मतलब सी. ठीक है. इसमें क्या होता है कि एयर एयर अबव लैंड इज हॉट ड्यूरिंग द डे. मतलब डे के टाइम क्या होगा कि जो लैंड है वो ज़्यादा हॉट होगा एज़ कम्पेयर टू सी. तो लैंड हॉट भी बहुत जल्दी होता है और कूल भी जल्दी होता है किससे एज़ कम्पेयर टू सी. ठीक है. तो एयर अबव द लैंड इज़ हॉट ड्यूरिंग द डे. तो ऊपर क्या है हॉट एयर है. ठीक है. लैंड के ऊपर क्या है एयर जो है हॉट है और सी के ऊपर जो एयर है वो क्या है कूल एयर है. तो एयर का जो मूवमेंट है कैसे होगा विंड का मूवमेंट की मतलब जो मूवमेंट होगी विंड की कैसे होगी हॉट एयर से जो लैंड हॉट एयर पे है वो मूव करेगी सी के पास और जो कूल एयर है वो मूव करेगी टुवर्ड्स लैंड. ठीक है. लैंड हीट फास्टर देन सी ड्यूरिंग द डे. क्लियर है आपको. तो इसी को हम क्या कहते हैं सी ब्रिज. क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स लैंड ब्रिज किसे कहते हैं अब देखिए ये आपका सी ये लैंड. अब क्या होगा लैंड नाइट के टाइम क्या होगा लैंड ब्रिज मतलब नाइट के टाइम लैंड ब्रिज हम कहेंगे उसे. ठीक है. जैसे कि नाइट के समय जो एयर अबव लैंड होगी वो क्या होगी कूल होगी. रात के समय जो लैंड होती है वो क्या होगी कूल एयर होगा. ठीक है. और जो एयर अबव सी होगी उसमें हॉट एयर होगा. ठीक है. तो अब मूवमेंट कैसे होगा जो कूल एयर है लैंड से वो मूव करेगी टुवर्ड्स सी एंड सी के पास जो हॉट एयर है वो मूव करेगी टुवर्ड्स लैंड. तो उसे हम क्या कहेंगे लैंड ब्रिज. लैंड कूल्स फास्टर देन सी ड्यूरिंग द नाइट मतलब नाइट के समय क्या होगा लैंड कूल फास्टर देन सी ड्यूरिंग नाइट. क्लियर है. सो दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज. Clear? Thank you to all of you.